गया को पेयजल संकट से बचाने के लिए एक रैली निकाली गई है। आप देख सकते हैं गया में एक बहुत विशाल रैली निकली है। डीएम, एसएसपी और तमाम स्कूलों के बच्चे इसमें शामिल हैं। काफ़ी लंबी रैली है, चावर चौक से शुरू होकर ये गया संग्रहालय तक जाएगी और वहाँ पर फिर लोगों को सम्मानित किया जाएगा। आपको ध्यान होगा कि गया और औरंगाबाद के ज़िलों में हीट वेव से एक दिनों में कई लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद से जल संचय और जल संरक्षण को लेकर तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आज गया में एक रैली निकाली गई है जिसमें तमाम स्कूल के लोग, प्रशासनिक पदाधिकारी और तमाम लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं कि जल संरक्षण कैसे हो और क्या उपाय किया जाए। किस तरह की ये रैली है और क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, ये रैली जो है वो गया को और हरा भरा करने के लिए है, जल को संरक्षित करने के लिए है और लोगों तक ये मैसेज ले आने की जरूरत है कि आज अगर हम नहीं जगे तो हमारा भविष्य और भी मुश्किल में पड़ सकता है। खासकर हमारे आसपास अगर पेड़ पौधे नहीं होते, उनका संरक्षण नहीं करते हैं और जल जो वर्षा का जल है और अन्य तरह का जो हमारे जल है उसका अगर हम संरक्षण नहीं करते हैं और उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं करते हैं तो समय के साथ और ये जो जल संकट का प्रॉब्लम है गया में और बढ़ता जाएगा। चलिए, ये थे डीएम अभिषेक सिंह जी और हमारे साथ अभी राजीव मिश्रा जी हैं एसएसपी गया के, उनसे भी कुछ संदेश लेना चाहते हैं। कैसा क्या क्या इस रैली का उद्देश्य क्या है? जैसा कि डीएम साहब ने बताया है कि इस रैली का पूरा उद्देश्य जो है गया को हरित बनाना है और इसके माध्यम से, रैली के माध्यम से यही संदेश है कि आप हम सभी लोग उठ जाएँ, जाते हैं गया में जितना अधिक से अधिक हो सके जल संरक्षण और वन संरक्षण करने का प्रयास करें। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये रैली काफ़ी लंबी है, हालांकि ये लोग आगे निकल आए हैं और ये संग्रहालय तक जाएगी, वहाँ पे लोगों को सम्मानित किया जाएगा। जाहिर तौर पर इस तरह का प्रयास जो है जल संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है। LiveHindustan.com के लिए मनोरंजन कुमार की रिपोर्ट।